कि कैसे लीड लगाना होता है। तो देखिए ये है आपका आर, ये है आपका एल, कलर कोडेड भी है। तो आर जो है वो मिड कैल्विकुलर लाइन, ठीक है, राइट साइड ऑफ स्टर्नम, तो इधर ये इसका प्लेसमेंट होगा। और ये लेफ्ट मतलब इसका बाई तरफ का है, तो ये राइट साइड ऑफ स्टर्नम मिड कैल्विकुलर लाइन यहाँ पे होगा। ये आपके हो गया एन मतलब न्यूट्रल, तो न्यूट्रल आप इस दोनों के बीच में भी लगा सकते हैं, या तो आप रिब बॉक्स के नीचे यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जो हमारे राइट लेग होता है न्यूट्रल। और ये आ गई हमारे C1, तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड ऑफ स्टर्नम, तो ये आ गई हमारे C1। ठीक इसका अपोजिट साइड साइड में हमारा होगा C2। ऐसे आपको जेल इलेक्ट्रोड्स, जो प्री जेल प्री ग्लूड इलेक्ट्रोड्स होता है, उससे आपको लगाना है। और पेशेंट के छाती पे अगर बहुत सारा बाल है तो पेशेंट को छाती को आपको पहले क्लीन कर लेना है। C2 फिर हम लगाए, देखिए एक के बाद एक पूरा एकदम सजा के दिया हुआ है, तो इसको समझने में बहुत दिक्कत कुछ बात नहीं है। C2 के बाद हम लोग लगाएंगे C3, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम, ये आ गई हमारी C3। ये आ गई मेरी C4। अरे नीचे नाम दो ना। यू गेट फ्री इलेक्ट्रोड्स की सेटिंग्स, आर एंटर ए साइड है, ए लेफ्ट ए साइड है। ऐसे आएगा ग्राफ, ठीक है। अब इसको देखने के लिए अब दूसरी वाला, जैसे हम लीड वन देख रहे हैं, ये आ गई हमारी लीड टू, तो इसमें परफेक्ट ईसीजी आ रहा है, PQRST परफेक्ट आ रहा है एकदम। तो समझ में आ गया कि परफेक्ट ईसीजी आ रहा है अभी, तो बाकी का भी चेक कर लेते हैं। लीड थ्री ठीक है, AVR ठीक है, AVL ठीक है, AVF ठीक है, जैसे V1 के सिग्नल थोड़ा पुअर है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बाल है। V2 ठीक है, V3, V4, V5,
V6। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हैं। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए इस बटन को थोड़ी देर प्रेस करके रखना पड़ेगा।